पाकिस्तानी शूटर गुलाम मुस्तफा बशीर भी टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल की दौड़ से बाहर हो गए। जीएम बशीर दूसरे रोज अपनी कारकर्दगी बरकरार ना रख सके। पाकिस्तानी शूटर 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के टॉप सिक्स में जगह बरकरार ना रख सके। पहले दिन 293 स्कोर करने के बाद दूसरे दिन जीएम बशीर ने 286 स्कोर किया। दूसरे दिन पहली सीरीज में अच्छा आगाज किया, लेकिन बकिया दो सीरीज में सिलसिला बरकरार नहीं रख सके। जीएम बशीर ने दो स्टेज में मजमुई तौर पर 579 पॉइंट्स हासिल किए। शूटर हलील हतर ने इस कैटेगरी में 572 पॉइंट हासिल किए। टोक्यो ओलंपिक्स में शरीक 10 में से 9 एथलीट्स मेडल हासिल करने में नाकाम रहे। पाकिस्तान के आखिरी एथलीट अर्शद नदीम 4 अगस्त को जैवलिन थ्रो के एक्शन में होंगे। मजीद अपडेट के लिए देखते रहें कैनन न्यूज़ लाइव।